हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोगों ने प्ले इट ऐप पर प्राइवेसी फोल्डर में पासवर्ड लगा रखा है और आप लोग प्राइवेसी फोल्डर में लगे पुराने पासवर्ड को चेंज करके नया पासवर्ड सेट करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्ले इट ऐप पर प्राइवेसी फोल्डर में लगे पुराने पासवर्ड को चेंज करके नया पासवर्ड सेट करने का तरीका बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। तो चलिए, मैं लिए चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर। पासवर्ड चेंज करने के लिए सबसे पहले प्ले इट ऐप को ओपन करें। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद वेट करें। वेट करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद अब आप सबसे नीचे की ओर राइट साइड में कॉर्नर के पास प्रोफाइल आइकॉन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद अब आप प्राइवेसी फोल्डर पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो आप यहां पर अपना पुराना पासवर्ड डालें। तो चलिए डाल देते हैं पुराने पासवर्ड को। पुराने पासवर्ड को डालते ही इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो आप ऊपर की ओर राइट साइड में कॉर्नर के पास नज़र आ रहे थ्री डॉट पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही दो ऑप्शन आएगा, तो आप चेंज पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो आप यहां पर नया पासवर्ड क्रिएट करें चार अंक का पिन डाल के। तो डाल देते हैं। चलिए डालने के बाद दोबारा कंफर्म करने के लिए वही पिन डालें। तो चलिए डालते हैं। डालने के बाद इस तरह से ऑप्शन आएगा, तो आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं सेव वाले ऑप्शन पर। क्लिक करते ही पासवर्ड चेंज हो जाए। सो फ्रेंड्स, इन सभी तरीके को इस्तेमाल करके आप भी प्ले इट ऐप पर प्राइवेसी फोल्डर के पासवर्ड को चेंज कर सकेंगे। सो फ्रेंड, मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं